तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुणे में जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं सबका फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली वीडियोस बनाए हुए हैं हर एक कॉलेज में। कई कई कॉलेजेस में मैंने फीस स्ट्रक्चर मिस किया है, नहीं बता पाया हूँ क्योंकि उनके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन इस बार मैंने सारे के सारे पॉलिटेक्निक्स का अवेलेबल कर दिया है फीस स्ट्रक्चर, बराबर। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बराबर। सबको आज फीस स्ट्रक्चर पुणे में जितने भी पॉलिटेक्निक्स है पता चलने वाला है। और हाँ, अगर आप महाराष्ट्र के सारे पॉलिटेक्निक्स का फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बता दीजिए मुझे महाराष्ट्र के सारे पॉलिटिक्स का कट ऑफ वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मैं ज़रूर बना दूंगा अगर आप कहते हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, ये पिछले साल का फीस स्ट्रक्चर है, बराबर, मतलब 2021 का है। अब 2022 में आप एडमिशन लेने जाओगे तो फीस में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बराबर। अगर मैं 60,000 बता रहा हूँ तो वहाँ पे 65,000 हो सकता है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। हर साल थोड़ी बहुत फीस 5-10% बढ़ सकती है, बराबर, लेकिन ओवरऑल आपको इस वीडियो से एक अंदाज़ा आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडल राजर्षि शाहू, सबसे पहला कॉलेज कौन सा है हमारा, JSPM जो ताथौड़े का यहाँ पर आपको देख रहा है, बराबर, उसका फीस स्ट्रक्चर। डिस्ट्रिक्ट उसका पुणे है, पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं हम, बराबर। डेट ऑफ मीटिंग, ये कॉलम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ मीटिंग मतलब जिस वक्त ये फीस स्ट्रक्चर अप्रूव हुआ था, उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन फीस वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला एक कॉलम होता है। फीस में दो मेन पार्ट होते हैं, राइट, एक ट्यूशन फी और एक डेवलपमेंट फी होता है, दोनों मिला के आपको फीस भरना होता है। ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू इतना आएगा, बराबर। तो जो कैटेगरी में रहते हैं, मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC है, या फिर आपकी कैटेगरी ST है, या फिर आपकी कैटेगरी NT है, बराबर, इनके लिए 100% ये नहीं होता फीस। 100% क्या होता है, इनको डिस्काउंट, मतलब 100% माफ हो जाता है फीस, बराबर। OBC हो गया, मान लीजिए OBC है, उनके लिए 50% ट्यूशन फी होता है, बराबर, इसमें इसका आधा, ये जो फीस यहाँ पे दिख रहा है आपको 51,000, इसका आधा हो जाएगा, बराबर। तो आपके रिजर्वेशन के हिसाब से आपको फीस भरना ही होगा। जो कैटेगरी में 100% रिजर्व होता है उनको ये फीस जीरो होता है ट्यूशन फी, उनको बस ये वाला कॉलम भरना पड़ेगा डेवलपमेंट फी का, बराबर, जैसे कि TFW, SC, ST, NT हो गया, बराबर। और OBC वाले या फिर ओपन में EWS सेक्शन होता है, उनको 50% इसमें से भरना पड़ेगा, बराबर। तो मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आपको पूरी फीस बता रहा हूँ, बराबर। तो कैटेगरी वाइज तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ओपन के लिए अगर कोई कैटेगरी ओपन कैटेगरी में जाता है उसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, तो उसको कितना फीस भरना पड़ेगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए 59,000 यहाँ पर फीस आप देख रहे हो, बराबर। दूसरा कॉलेज हमारा रायगढ़ ज्ञानपीठ श्री छत्रपति शिवाजी राजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसका जो पॉलिटेक्निक है, ये एड्रेस क्या है, धांगवाड़ी तालुका भोर, डिस्ट्रिक्ट पुणे में आता है, बराबर। तो इसका है 54,000। उसके बाद यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, उसका है 26,000 टोटल फीस की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद दत्त कला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, वो उसका है 68,000। उसके बाद TSSM भिवराबाई सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी सब कॉलेजेस पुणे के पुणे रीजन में आते हैं, राइट, डिस्ट्रिक्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस है, 57,000। उसके बाद बात करते हैं PK टेक्निकल कैंपस, जो पुणे का कॉलेज है, उसकी बात करते हैं 54,000। कुजरोवाड़िया की बात करते हैं 67,000। उसके बाद ये कौन सा है, शिवनगर विद्या प्रसारक मंडल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मालेगांव बुद्रुक पुणे डिस्ट्रिक्ट में, बराबर, उसका है 64,000। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ जो है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पुणे का, उसका है 79,000। और ये फीस कितने साल का, एक साल का फीस होता है, बराबर। डिप्लोमा अपना 3 साल का होता है, उसमें से एक साल की फीस है ये। बहुत बच्चे पूछते हैं सर एक सेमेस्टर का है, एक साल का नहीं, फीस स्ट्रक्चर एक साल का होता है, ओके। तो YB पाटिल जो है, ये पॉलिटेक्निक जो है YB पाटिल पिंपरी चिंचोड़ में आता है, उसका फीस स्ट्रक्चर है 61,000 एक साल का। उसके बाद देखते हैं पिंपरी चिंचोड़ जो कि PCP पिंपरी चिंचोड़ पॉलिटेक्निक, उसका फीस स्ट्रक्चर है 67,000, बराबर। और जो कैटेगरी आती है उनको सिर्फ इतना फीस भरना पड़ेगा, जिनको 100% ट्यूशन फी माफ़ है उनको फर्स्ट बस ये वाला कॉलम भरना पड़ता है, ओके। वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सिंहगढ़ताई वेणुताई चौहान पॉलिटेक्निक, उसका है फिर 85,000।
ऑल इंडिया श्री AISSM पॉलिटेक्निक उसका है 80,000। पूना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सोसाइटी अन्ना साहेब मगर कॉलेज ऑफ कैंपस हड़पसर का उसका है 62,000। उसके बाद जय हिंद कॉम्प्रेस एजुकेशन जय हिंद पॉलिटेक्निक कुरन जुन्नर जुन्नर का कॉलेज है ये 49,000। उसके बाद जय हिंद विद्या प्रसारक मंडल धारीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RMD कॉलेज जो है चिंचवड़ गाँव का उसका है 49,000। उसके बाद बात करते हैं हम जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडल जयवंतराव सावंत पॉलिटेक्निक हड़पसर इसका है 68,000। उसके बाद वागोली का जो भीवराबाई सावंत पॉलिटेक्निक है उसका है 54,000। झील एजुकेशन सोसाइटी नरे उसका है 64। DY पाटिल पॉलिटेक्निक अंबिका है 50,000। उसके बाद समर्थ रूरल समर्थ पॉलिटेक्निक पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये कॉलेज एग्जैक्टली कहाँ है आपके कीजिए मोबाइल में गूगल मैप में इसका कॉलेज का नाम डाल दीजिए आपको एग्जैक्ट कॉलेज मिल जाएगा कहाँ पर है लोकेशन 60,000। उसके बाद महाराष्ट्र एकेडमी का जो महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च श्री सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक अच्छा उसका है 63,000। उसके बाद श्री सोमेश्वर पॉलिटेक्निक कॉलेज सोमेश्वर नगर का है ये 46,500। उसके बाद यहाँ पर आई थिंक सारे के सारे कॉलेजेस पुणे के कवर हो चुके हैं हमने जितने भी बताए हुए हैं यहाँ पर ठीक है। और कोई कॉलेज अगर रह गया है मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट का आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दीजिए या फिर पूरे महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस का आप फीस स्ट्रक्चर चाहते हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। जैसा कमेंट आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये वीडियो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लेना है। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।